हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं HCF के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आज आपको HCF निकालना सिखाने वाला हूँ, वो भी एकदम आसान से आसान तरीके से। तो फ्रेंड देखिए, HCF इसकी जो फुल फॉर्म होती है, ये होती है हमारी हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो फ्रेंड देखिए, मैंने यहाँ पर दो सवाल लिए हैं। सवाल है हमारा 12 और 80, यानी कि फ्रेंड्स हमें 12 और 80 का HCF निकालना है, और दूसरा सवाल है हमारा 56 और 84। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप HCF निकालना सीख जाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, पहला सवाल है हमारा 12 और 80। तो फ्रेंड देखिए, सोल्व करते हैं इसे। तो फ्रेंड देखिए, हमें जो दो संख्याएं दी गई हैं, वह दी गई हमें 12 और 80। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमें बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग करना है। तो फ्रेंड देखिए, हम कर लेंगे, भाग का निशान लगाएंगे, अंदर लिख लेंगे बड़ी वाली संख्या यानी कि 80 को। अब फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, इसमें हम 12 से भाग करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, हमारा 80 है और ये 12 से भाग करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, 12 पंजे 60 होता है, 12 चिंग 72 और 12 सत्ते 84। तो फ्रेंड 84 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 12 का पारा सिर्फ 6 बार पढ़ेंगे यानी कि 12 चिंग 72। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख लेंगे 6 और यहाँ पर लिख लेंगे 72 यानी कि 72। अब फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, इसे माइनस कर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए, 0 है, एक हाथ से ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10, 10 में से 2 जाएगा फ्रेंड्स, ये बचेगा हमारा 8, और यहाँ पर 7 में से 7 जाएगा, तो फ्रेंड्स हमारी 0 बचेगी। अब फ्रेंड देखिए, हमारा बचा है 8 शेषफल। अब फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, अब हम इसके आगे एक और भाग का निशान लगा लेंगे यानी कि इस टाइप से। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर कौन सी संख्या लिखनी है, फ्रेंड्स इसके अंदर हमें वो वाली संख्या लिखनी है जिससे हमने पहले भाग किया था। तो फ्रेंड देखिए, पहले हमने किससे भाग किया था, हमने भाग किया था 12 से। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हम लिख लेंगे 12। अब फ्रेंड देखिए, अब हम 8 से 12 में भाग करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो फ्रेंड्स, 16 हमारा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 8 का टेबल सिर्फ एक ही बार पढ़ेंगे यानी कि 8 एकम 8, एक बार। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर 8 लिख लेंगे। अब फ्रेंड देखिए, 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, यह बचेगा हमारा 4। अब फ्रेंड देखिए, 4 हमारा शेषफल है। अब हम इस शेषफल से फिर से डिवाइड करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा लेते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें कौन सी संख्या लिखनी है, इसके अंदर हमें वो संख्या लिखनी है जिससे हमने पहले भाग किया था। तो फ्रेंड देखिए, हमने भाग किया था 8 से, तो फ्रेंड्स इसके अंदर हम 8 लिख लेंगे। अब फ्रेंड देखिए, 4 में 8 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी कि 2 बार जा रहा है तो 2 लिख लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया। अब फ्रेंड देखिए, 8 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा फ्रेंड्स हमारा, हमारा बचेगा 0। और जब फ्रेंड्स हमारा शेषफल 0 आ जाए तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन वहीं पर समाप्त हो जाता है। अब फ्रेंड देखिए, अब हमें इसमें देखना है कि हमारा HCF कौन सा होगा। तो फ्रेंड देखिए, हमारा जो HCF होगा, हमारा HCF 4 होगा, यानी कि फ्रेंड जिससे हम लास्ट में भाग करते हैं वही हमारा HCF होता है। तो फ्रेंड देखिए, लास्ट में हमने किससे भाग किया है, लास्ट में हमने भाग किया है 4 से, तो फ्रेंड्स हमारा HCF 4 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लेंगे HCF, ये कितना होगा फ्रेंड्स हमारा, ये हो जाएगा हमारा 4, यही हमारा आंसर होगा। यानी कि फ्रेंड जिससे हम लास्ट में भाग करते हैं और शेषफल 0 आता है तो फ्रेंड्स हमारा HCF वही होता है। तो फ्रेंड्स हमारा HCF हो जाएगा 4। अब फ्रेंड देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 56 और 84। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे भी सोल्व करते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 56 और 84 का हमें HCF निकालना है। तो फ्रेंड देखिए, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम बड़े वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, भाग का निशान लगा लेते हैं और अंदर लिख लेते हैं 84 यानी कि बड़ी वाली संख्या, भाग करेंगे 56 से, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 56। तो फ्रेंड देखिए, 56 को अगर 2 बार पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स ये हमारा ज्यादा हो जाएगा 84 से। तो फ्रेंड्स, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम 56 को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे यानी कि 56 एकम 56 और यहाँ पर लिख लेंगे 56। अब फ्रेंड देखिए, 84 में से 56 को माइनस कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये 4 है और ये 6 है तो ये नहीं जाएगा, इसे एक हाथ से ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा 14, 14 में से 6 जाएंगे फ्रेंड्स, कितना बचेगा हमारा, यह बचेगा 8। और फ्रेंड देखिए, यहाँ पर हमने एक हाथ से ले लिया था तो यहाँ पर बचेगा हमारा 7, 7 में से 5 जाएगा, ये बचेगा हमारा 2। अब फ्रेंड देखिए, हमारा 28 है तो फ्रेंड्स ये हमारा शेषफल बचा है। तो फ्रेंड्स, इसके आगे भाग का निशान लगा लेंगे। अब फ्रेंड देखिए, भाग किस में करेंगे, भाग करेंगे हम 56 में यानी कि जिससे हमने पहले भाग किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लेंगे 56। अब फ्रेंड देखिए, ये 28 है और 28 से 56 कितनी बार जाएगा, 28 एकम 28, 28 दूनी 56 यानी कि ये जाएगा हमारा 2 बार। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर लिख लेंगे 56। अब फ्रेंड देखिए, 56 में से 56 जाएगा, कितना बचेगा फ्रेंड्स, ये बचेगा हमारा 0। तो फ्रेंड देखिए, हमारा शेषफल 0 आ गया है। तो फ्रेंड, जब हमारा शेषफल 0 आ जाए तभी फ्रेंड्स हमारा HCF निकल के आ जाता है। और फ्रेंड्स, हमारा HCF क्या होगा, फ्रेंड्स हमारा HCF होगा जिससे हमने लास्ट में भाग किया है। तो फ्रेंड देखिए, लास्ट में हमने किससे भाग किया है, हमने भाग किया है 28 से यानी कि 28 से। तो फ्रेंड्स हमारा HCF हो जाएगा HCF इक्वल 28, यही हमारा आंसर होगा।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको SDF निकालना आ गया होगा। यदि फ्रेंड्स आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।